गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम कक्षा सात की गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा सात में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था। अब हम इससे आगे चल रहे हैं और एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 इसका मतलब एक्सरसाइज 4.4 पूरा कर दिया था। अब हम एक्सरसाइज 4.5 पर पहुंच रहे हैं और ये आपका लेक्चर होता है 14 और पेज होता है 26। कक्षा सात गणित लेक्चर 14 और पेज 26 और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब क्वेश्चन नंबर 1। और 1 में हम देखेंगे कौन सा करना है। हम देख रहे हैं यह है आपका निम्नलिखित युग्म में से कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है। तो इसमें मैं 1 कर दूं पहले, मैं कर दूंगा पहले ए को और जी को करता हूं, 2 करूंगा इसमें से ए। और एक्सरसाइज है 4.5, यहां पर है -4 या -16/5। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पर 16 का हर 5 है और 4 का कुछ नहीं है, तो 4 का हर क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। तो हमको दोनों का हर समान करना है, अर्थात इसका हर 1 हो गया, इसका हर 5 है, दोनों का लघुत्तम समावर्त लेना है, लासापा लेना है। तो दोनों का लासापा क्या होगा, 5 होगा। तो दोनों का हर 5 होना चाहिए। इसका हर 5 करने के लिए हमको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, पाँच का गुणा करना पड़ेगा। तो -4 × 5/1 × 5 और बराबर हो जाएगा आपका ये 4×5 = 20 -20/5 नंबर 1। और ये क्या है, दूसरा क्या है हमारा 16 - 16/5, ये नंबर हो गया हमारा 2। तो हम देख रहे हैं दोनों 1 और 2 में दोनों का हर्ष क्या है, समान है, दोनों का हर्ष समान है, परंतु अंश जो है समीकरण 1 में 20 माइनस 20 है और 2 में 16 है। चूंकि चूंकि -16 है, पूछ कर रहा बड़ा, हाँ -16 है इज ग्रेटर देन -20, इसलिए क्या हो जाएगा 20, इसलिए -16/5 इज ग्रेटर देन -20/5 और यार की 4 -4 इज ग्रेटर देन -16/5। गलत गया, ये -16/5 इज ग्रेटर देन -4, ये इसका उत्तर है। अब अगला करेंगे इसमें, ये है हमारा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जी है और ये एक्सरसाइज है हमारा 4.5। ये हमारा कितना है, 5/12 है या -6/70 है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है, हम देख रहे हैं पहली संख्या हमारी पॉजिटिव है, धनात्मक है, दूसरी संख्या क्या है, ऋणात्मक है, और हर एक धनात्मक का मान ऋणात्मक से अधिक होता है, ये निश्चित है। अतः देखेंगे चूंकि 5/12 है धनात्मक संख्या है,
तथा मन 6/70 ऋणात्मक संख्या है, अतः 5/12 है, इज ग्रेटर देन -6/70 है, और ये आपका उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें जरा ऐसे ही बाकी कुछ सवालों को कर लेंगी, जहाँ जब दोनों ही संख्याएं हमारी धनात्मक हों या ऋणात्मक हों तो उनकी हर समान करते हैं, और समान करने के लिए उनका क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त करते हैं, और समान करने के लिए ऊपर नीचे संख्या गुणा करते हैं। अब देखेंगे निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, आपको ऐसी लिख देना है, पहले हर समान करना है, हर समान करने के बाद में, चलो ए को लिख देता हूं मैं, हम कर देंगे सी को। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, एक्सरसाइज 4.5, यह हमारा कितना है, 2/21, 5 -5/14 कोमा 0 और कोमा -3/7, या हम कर देंगे इसको 2/21 कोमा -5/14 कोमा 0/1 -3/7। हम देख रहे हैं एक सभी संख्याओं में हर जो है, पहले में 21 है, दूसरे में 14 है, तीसरे में 1 है, और चौथे में 7 है, इनका 21, 14 और 7 का लघुत्तम समापवर्त होगा 42। 21 का पढ़ लें कि 21 में 14 का भाग नहीं जाता है, 7 का जाता है, कि दूनी 42, 42 में 14 का भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, क्या होगा 42, अतः इसको बताइए, या कर सकते हैं हम इसको 2/21 यहाँ पे गुणा 2 का और यहाँ पे गुणा 2 का, फिर यहाँ पर करेंगे -5/14, 14 में कितने का गुणा करेंगे 42 हो जाए, 14 × 3 और यहाँ पर गुणा में 3, फिर 0 का गुणा कर देंगे 42 और 1 का भी गुणा कर देंगे 42, फिर -3/7 कितने गुणा करें, 7 × 6 = 42 और यहाँ पर 3 का 6 हो गया। अब ये बराबर हो जाता है आपका या करके कितना, 4/42 कॉमा 5 × 15 -15/42 कॉमा 0 और यहाँ पर -18 - 18 - 18/42। अब हम देख रहे हैं सभी का हर क्या है, समान है, तो बड़ी किसको लिखना है, आरोही क्रम लिखना है, तो आरोही क्रम मतलब पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या, तो हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, -18/42, उसके बाद है -15/42, उसके बाद में 0, उसके बाद में अतः अतः यही कर दूंगा मैं, -18/42 इज लेस देन -15/42 इज लेस देन 0, और ये हो जाएगा माइनस कितना, 4/42 अर्थात कितना हो गया, 4/42 कौन सा लिखा हमने, 2/21 का, ये -18/42 कौन सा लिखा है, -3/7, फिर हो जाएगा -5/7, 5/14, फिर 0 और फिर 2/21 आरोही
क्रम है। इसके बाद में हम चलेंगे, पेज हो गया आपका 27। ये है हमारा, अब क्वेश्चन है हमारा तीसरा, यानी कि प्रमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा उसके बाद में छोटा, छोटा स्टॉक करते आते हैं और आप इस प्रश्न को स्वयं ही कर लेंगे। अब है प्रश्न नंबर 4 है, ये चिन्ह दे रखे हैं, इन चिन्हों का आपको इस्तेमाल करना है। हम देख रहे हैं 6/8 और -5/17, जानते हैं 6/8 धनात्मक संख्या है और -5/17 धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर 6/8 क्या होगा, 5 -5/17 से बड़ा होगा, तो चिन्ह लगा देंगे आप इस तरह से, जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। इसके बाद में 6/17 और 0, 6/17 का मान 0 से अधिक होता है तो ऐसे ही चिन्ह होगा, 6/17 इस बड़ा है कि 0 से। 1/6 ये माइनस की संख्या है, -6/7, और ये 1/6 धन की संख्या है, तो धन की संख्या ऋण की संख्या से बड़ी होती है, 1/6 इज ग्रेटर देन, चिन्ह ऐसे लग जाएगा, 1/6 बड़ा है -6/7 से। ऐसे ही -8/9 है, 6/7 है, ये 6/7 धनात्मक संख्या है, -8/9 ऋण संख्या है, तो -8/9 छोटी होगी किससे, 6/7 से। ऐसे ही देख रहे हो आप, रात यहाँ देखेंगे इसमें एफ में ये शून्य है और ये -6/7 है, तो -6/7 शून्य से क्या होती है, छोटी संख्या होती है, तो यहाँ पर भी चिन्ह लगाएंगे 0 बड़ा है ऐसे करके। अब यहाँ पर अब इसमें देखना है, इसमें देखना होगा आपको -2/3 और -2/3 और ये 5/-8 दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे इसमें, पहले इनके हर को समान करेंगे, हर को समान करने के लिए लघुत्तम समापवत लेंगे, और लघुत्तम समापवत लेने के पश्चात में चलो इसको कर देता हूँ मैं, और ऐसे ही दो प्रश्न है आपकी, तो स्वयं कर सकते हो, कोई बात नहीं है। -2/3 और 5/-8 को देखना है कौन सा बड़ा है, तो इसका 3 और 8 का लघुत्तम समापवत क्या होगा हमारा, 8 से 24, 24 होगा, तो 24 है तो यहाँ पर ऊपर नीचे इसमें 8 का गुणा करेंगे, इसमें ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, और हर समान हो जाएगा, देखेंगे कौन सी मान। ऐसे ही -5/1 कर देंगे यहाँ पर इसको, और तो 1 है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है तो इसमें ऊपर नीचे 5 का गुणा कर देंगे, तो -5 यहाँ पर 5 -5 × 5/1 × 5 ऐसा करके देख लेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा कर देंगे, छोटा है वो छोटा कर लेंगे। अब ये हमारा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने आपको परिमेय संख्या पहले बताई है या नहीं, जानकारी नहीं हो रही मुझे, तो संख्या रेखा अब संख्या रेखा शायद मैंने नहीं बताई आपको, पहले बता दूंगा संख्या, एक ऐसी रेखा सर लिख दूंगा यहाँ पर, संख्या रेखा एक ऐसी रेखा जिसकी मध्य में
होता है एक ऐसी अपरिमित रेखा कहेंगे हम, अपरिमित, एक ऐसी परिमित रेखा जिसके मध्य में शून्य होता है तथा दाई तथा शून्य के दाई और धनात्मक संख्याएं तथा बाई ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा कहते हैं, जैसे यहां पर मध्य में क्या है, शून्य है, यहां पर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, यहां पर एक दो तीन चार पांच, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच, ऐसे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा होती है। अब इसमें हम प्रश्न हमारा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, माइनस सात बटे छह। क्वेश्चन नंबर हमारा है पांच का, पहला पांच का ई और एक्सरसाइज है 4.5। क्या करना है, माइनस सात बटे छः को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर की प्रत्येक भाग को हर छह भागों में बांटते हैं। तो यहां पर दिखाएंगे हम ये हमारी क्या है, संख्या रेखा है। यहां पर इधर कर दिया मैंने एक कर दिया, यहां पर दो कर दिया, यहां पर एक कर दिया, यहां पर दो कर दिया, यह शून्य है या एक है, यह दो है या माइनस एक है या माइनस दो है। तो प्रत्येक भाग को हमको क्या करना है, छह भागों में बांटना है, बाईं भाग। तो एक दो तीन चार पांच छह भाग हो गए, ऐसे ही यहाँ पर मध्य लगा देंगे, फिर इसको दो भागों में बांट देंगे, यहाँ पर दो भागों में, तो हम दिख रहे हैं। तो इस प्रत्येक भाग का मान, तो शून्य के आगे प्रत्येक का भाग का मान क्या होगा, एक बटे छः होगा। तो ऋणात्मक है तो हमें वो बाईं ओर शून्य से आगे सात भाग लेने हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो ये मान जो होगा हमारा, ये मान जो है, मान लीजिए बिंदु P है, तो P क्या होगा, माइनस सात बटे छह को व्यक्त करेगा। अब
इसके बाद में है एक और कर दें हम, 3/7 ये करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 का जी, क्वेश्चन नंबर 5 का जी है, यहां पर एक्सरसाइज है 4.5, ये है हमारा कितना है 3/7। तो 3/7 है तो इसको क्या करना है, मैं आपको लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा यहाँ पर हर कितना 7 है और संख्या कैसी है, धनात्मक है, अतः धनात्मक, अतः संख्या रेखा पर शून्य से, ये शून्य हो गया हमारा, शून्य हो गया, शून्य से दाई ओर हमको प्रत्येक भाग को 7 भागों में बांटना है, एक और ये कर दिया 2 भाग, और यहाँ पर एक और ये कर दो भाग, यह माइनस का एक है, ये माइनस का 2 है, यह एक है और यह 2 है। तो प्रत्येक भाग को 7 मांगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग हो गया। फिर इसके बाद में 7 प्रत्येक भाग का मान क्या होगा हमारा, 1/7 होगा, इसमें से हमको 3 भाग ले लेने हैं, यहाँ पर 3 भाग है, यह बिंदु P कर दिया और इसका मान क्या होगा 3/7, यही आपका उत्तर होगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है, अगली क्लास के लिए हम फिर प्रयास करेंगे, तब तक के लिए आप अपना काम करते रहिएगा, धन्यवाद।